नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने का, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ठीक से जानकारी ना हो तो आपके हाथ मायूसी भी लग सकती है। पर हमें आपका ख्याल है, इसलिए इस शो के जरिए हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी जानकारी एकदम आसान शब्दों में देते हैं, ताकि आप अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सके और अपने सारे लक्ष्य को पूरा कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। 30 लाख के निवेश से कितना मंथली इनकम मिल सकता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही 2 साल में 20 लाख के लिए 20 लाख जमा करने हैं तो कितना निवेश करना होगा, जानेंगे आज क्या है बाय द डिप स्ट्रैटेजी। और साथ ही एक फंड हाउस की 7 स्कीम में निवेश सही है या फिर गलत। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पहली बार हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कौस्तुभ बेलापुरकर, डायरेक्टर फंड रिसर्च मॉर्निंग स्टार। कौस्तुभ, बहुत 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 स्वागत है आपका जी बिजनेस। देखिए, हम आपसे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन साथ ही हम ये काम करते हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि अपने एक्सपर्ट से उनके फेवरेट फंड्स के नाम पूछते हैं, ताकि दर्शकों के पास उनकी एक अपनी लिस्ट तैयार रहे, आगे चलते हुए कभी निवेश करना हो तो उनके पास ऑप्शंस उनके हाथ में रहे, तो वो हम आपसे आखिर में लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ पहले दर्शक यश गर्ग जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। यश जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते सभी जी, मैं मस्कट से बात कर रहा हूँ। अच्छा, एंड थैंक यू मेरे क्वेश्चंस को अपने शो में शामिल करने के लिए। शुक्रिया आपका भी सवाल भेजने के लिए। मेरे 3 क्वेश्चन है जी। कई बार मार्केट काफी वॉलेटाइल होती है, लाइक एक दिन 2% ऊपर गई और दूसरे दिन 3% नीचे आ गई। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो विच इज अ बेटर स्ट्रेटजी, लाइक बाय ऑन डिप्स या लंप सम, विच इज बेटर इन लॉन्ग रन? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने कई बार नोटिस किया कि कुछ कुछ स्कीम्स में बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, कुछ में बहुत कम स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस ब्लू चिप में 25 स्टॉक्स हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 114 स्टॉक्स हैं। जबकि एवरेज स्टॉक्स जो होते हैं स्कीम में अराउंड 60 होते हैं। तो माई क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम या ज्यादा होने से उस स्कीम का रिस्क डाइवर्सिफाई होता है या इंक्रीज होता है? इंटरेस्टिंग। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि कई बार हमारे पास सेम कैटेगरी का मल्टीपल फंड होते हैं, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मल्टी कैप से 2 फंड है। अच्छा, तो जब हमें सेम कैटेगरी से स्कीम सेलेक्ट करनी हो तो ये देखना चाहिए कि इसमें स्टॉक्स की हाई ओवरलैपिंग हो या लो ओवरलैपिंग हो, या ये फंड मैनेजर को छोड़ दें कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, यू जस्ट सेलेक्ट अ गुड स्कीम। बहुत ही बढ़िया सवाल यश, बहुत बेसिक सवाल है जो मुझे नहीं लगता किसी निवेशक के दिल में या दिमाग में आता भी होगा, और इसलिए मुझे ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसका जवाब सभी दर्शकों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी वर्सेज लमसम, पहले हम दर्शकों को आसान शब्द में बता दें कि ये बाय ऑन डिप्स होता क्या है। जी, तो पहले तो यश को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत ही पर्टिनेंट अच्छे सवाल पूछे हैं उन्होंने। तो जो उनका जो पहला सवाल था जो बाय ऑन डिप्स होता है, तो उसका स्ट्रेटजी क्या होता है कि जैसे मार्केट ऊपर नीचे जाता है, जिस मार्केट टाइम पे जो नीचे जा रहा है तो उस लोअर लेवल्स पे आप खरीदारी करें। पर ये स्ट्रेटजी थोड़ा वेरीड हो सकता है, जैसे किसी का हो कि अच्छा 2% नीचे गया तो मैं खरीदूंगा, कोई बोलता है ठीक है 4-5%, अपने लेवल होते हैं, पर वो नॉर्मल स्ट्रेटजी होता है। लमसम कैसे है, आप मार्केट लेवल का ना सोच के आप थोड़ा सा बस आप डाल देते हैं कि क्योंकि एक्विटी जैसा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जी। तो इसलिए हम जब बात करते हैं, उनका जो दूसरा सवाल था कि SIP करना चाहिए कि नहीं, कि या बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी, तो हमारा सोच यह है कि SIP तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे आपका ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो भी निवेश करने की जो अमाउंट हो एक ही टाइम पे अवेलेबल हो, जैसे आप अगर सैलरीड हो तो या हर महीने सैलरी आती है और हर महीने बचत होती है, बिल्कुल, तो बचत करते रहते हैं और आप SIP के थ्रू डालते रहते हो, तो वो क्या होता है, वो दिमाग से वो सोचना वो आप निकाल अलग देते से हैं, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो SIP एकदम वो बढ़िया बात होती है कि आप बस वो ऑटो चलता रहता है, आपको
चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने बोला, इक्विटी इतना लॉन्ग टर्म है कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाय ऑन डिप्स तब यूजफुल होता है जैसे आपको कभी शायद बोनस मिल गया हो या कोई इनहेरिटेंस, जैसे आपको किसी ने, बुजुर्ग लोगों ने पैसे दिए जो आपको निवेश करने हैं, आपको आपके पास मिले हैं, तो फिर बाय ऑन डिप्स आप यूज कर सकते हैं। न तो जो SIP का ही एक रूप है जो आप बोले कि ठीक है मैं अभी एक दिन में नहीं डालूंगा, अगले 6 महीने या 12 महीने में डालूंगा, तो वो दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। बट SIP तो मस्ट है, वो हमारे माइंड से वो SIP चलती रहेगी। लेकिन बाय ऑन डिप्स ये भी हो जाता है कॉस्ट, आई थिंक ये टाइमिंग करने की बात हो जाती है। बिल्कुल, अगर आप इतना एक्टिवली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि आप फिर सीधे शेयर बाजार में लगाइए पैसे। आप अच्छे स्टॉक देख लीजिए और वहां पे देखिए कि कब वो उसमें गिरावट आ रही है, कब खरीदने का मौका बन रहा है। म्यूचुअल फंड में इतना टाइम करने में कोई बुराई नहीं है, सैद्धांतिक तौर पे कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा काम है और इसका फायदा बहुत ज्यादा निकल के आएगा ये नहीं कह सकते। तो ये तो हो गया लमसम या फिर बाय ऑन। एक और बस कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम एसेट एलोकेशन की बात करें कि इक्विटी में इतना, शेयरों में इतना होना चाहिए, ऐसा फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड में होना चाहिए। अगर आपका इक्विटी में अभी कम पैसा लगा है क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गया, तो वहां पे बाय ऑन डिप्स भी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि SIP तो एक चलता रहेगा उसी प्रोपोर्शन में, पर अगर आपका 20% से 40% लेके जाना है तो वहां पे पोटेंशियली एक ऐसा यूजफुल हो सकता है। जैसे आपने सही बोला कि SIP तो होना ही चाहिए, वो टाइमिंग करना सबकी बस की बात नहीं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, वो टाइम नहीं दे सकते हैं। दूसरा था इनका बहुत ही बढ़िया सवाल कि कितने स्टॉक किसी स्कीम में होना सही माना जाता है, और ये बात भी उन्होंने सही बोली, किसी में 25 है, किसी में 100 से ऊपर भी है। तो क्या 100 से ऊपर वाला ज्यादा डाइवर्सिफाइड है कंपेयर टू 25 वाला, या परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? वो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और हमें कैसे सोचना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी का वो फंड है। जैसे इन्होंने जो एग्जांपल दिया, जैसे एक्सिस का जो ब्लू चिप फंड है वो बड़े बड़े लार्ज कैप फंड है, बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और उनका जो स्टाइल है जो बोलते हैं मैनेजर का, वो लार्ज कैप ग्रोथ क्वालिटी जो सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं उनका जो अर्निंग्स ग्रोथ जो बोलते हैं वो अच्छा है उनमें ही वो डालते हैं, वैल्यूएशन की इतनी चिंता नहीं करते हैं। तो वहां पे उन्होंने 25 स्टॉक ले लिया क्योंकि वो लार्ज कैप है, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो फंड है वो है स्मॉल कैप फंड, और वहां पे हमें पता है कि लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, तो कुछ स्मॉल कैप फंड है जो 60-70 स्टॉक लेते हैं, ये काफी डिवर्सिफाई हो चुका है। पर ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है कि 70 होना चाहिए या 50 होना चाहिए, हर फंड मैनेजर का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल रहता है जी। और जैसे स्मॉल कैप में हमने बोला लिक्विडिटी एक बात है, फिर कंपनियां भी इतनी ज्यादा है, आप जाके और नई नई खोज कर सकते हैं, तो हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप एक कंपनी में धीरे धीरे निकल रहे हो और दूसरे में आप डाल रहे हो पैसा, तो थोड़ा लंबा टेल जो होता है दिख जाता है। तो आप नंबर ऑफ स्टॉक्स के ऊपर ये कभी नहीं कह सकते कि ये बेहतर है या खराब है। नहीं, हम क्या देखना चाहते हैं, जैसे मैनेजर का जो स्टाइल है वो उन्होंने ठीक से फॉलो किया है कि नहीं। जैसे हमने एक्सिस का एग्जांपल दिया, अभी बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, पर 3-4 साल पहले वो नहीं चल रहा था, पर उन्होंने वो डटे रहे, उन्होंने अपना स्टाइल बदला नहीं। और वो अच्छी बात है क्योंकि अभी उनको रिटर्न दिख रहा है। तीसरा सवाल यश जी का था स्टॉक्स ओवरलैपिंग, अगर एक ही कैटेगरी के दो फंड लेते हैं तो क्या देखना चाहिए वहां पर। मोर और लेस देखिए सेक्टर वाइज, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ कंपैरिजन कर रही थी कि लार्ज कैप या मुझे याद नहीं किस कैटेगरी का, लेकिन सबका फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे सर्विस, वो फिर बढ़ता जाता है अलग अलग, लेकिन फाइनेंशियल सबका सबसे ज्यादा एक्सपोजर रहता है। तो वैसे में इस तरीके में क्या देखिए, ओवरलैप तो करेगा ही करेगा अगर आप एक कैटेगरी के लेते हैं, इसका कुछ फायदा है नुकसान है कैसे देख सकते हैं इसको? तो मैं सोचता हूँ बहुत ही यूजफुल डेटा पॉइंट है देखने के लिए, क्योंकि आप जब फंड्स ले रहे हैं तो आप जब डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, अगर उनकी समानियत बहुत ज्यादा हो जैसे 60% या 70%, फिर वो दूसरा फंड ऐड करने में इतना यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि वो डिवर्सिफाई नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले जवाब में बोला कि वो जो फंड मैनेजर का स्टाइल होता है, अभी जो हम बात करते हैं जैसे ग्रोथ या वैल्यू जैसे, तो वैसे वैसे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ है, उनको अगर उनका मिश्रण किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी कैटेगरी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स मिलेंगे। ये हो सकता है कि एक ही तरह की कैटेगरी में, जैसे मल्टी कैप ने कहा उसी का उदाहरण लेते,
कि दो तरह के फंड और दोनों की दो अलग अलग स्ट्रैटेजी हो, वहां पर भी ओवरलैपिंग होने के चांसेस होंगे ना? बिल्कुल, तो थोड़ा ओवरलैप तो होगा ही, क्योंकि क्या होता है जैसे आपका जो बेंचमार्क जो इंडेक्स रहा, जैसे अपना सेंसेक्स पकड़ लीजिए या बीएसई 100 या निफ्टी पकड़ लीजिए, वहां पे तो फंड मैनेजर तो देखेंगे वो कौन सा स्टॉक है, तो वो पूरा तो नहीं जीरो कर देंगे, वहां पे थोड़ा एक्सपोजर लेंगे, पर उनका जो एक्टिव कॉल जो बोलते हैं कि ठीक है ये वाला स्टॉक ज्यादा अच्छा लगता है, ये शेयर में हम थोड़ा कम कर देंगे, तो वो वैसा वो करते हैं, तो वो वाला रहेगा, बट कम 20-30% कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो 20-30% तक ओवरलैपिंग चल सकता है, लेकिन फोकस ये रखिए कि जो दो फंड आप ले रहे हैं उन दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो तो ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं यश जी कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगला, और थैंक यू, आपकी वजह से ना आज मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला है, सो बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। अगला सवाल लेते हैं, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पे। प्रियंका जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नमस्ते मैम, प्रियंका जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कहाँ से? दिल्ली से जी। मैं वर्किंग वूमन हूँ और मेरे दो बेटे हैं, एक तो न्यूली बॉर्न है और एक 6 ईयर अराउंड है। अच्छा, ओके, एंड मेरी टेक होम सैलरी अराउंड 65 समथिंग है। अच्छा, आफ्टर डिडक्शन। तो मैंने ऑलरेडी इसमें म्यूचुअल फंड और इक्विटी में लगा रखे हैं पैसे, अराउंड 5 लाख की इक्विटी है और 2.5 समथिंग जो अभी वैल्यू है वो म्यूचुअल फंड की है। okay. मैंने आपको म्यूचुअल फंड के 4 अराउंड मेरे वो प्लान चल रहे जी आपने भेजा हुआ है, और आपकी जो हर महीने की SIP चल रही है वो करीब कितने हजार की है? वो टोटल मिला के 9,000 की। और आपने अभी कहा कि 5 लाख आपकी इक्विटी में है, राइट? आप डायरेक्ट शेयर बाजार में भी आपने पैसे लगाए हुए? अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो क्विकली यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपका एक लोन भी चल रहा है, और आपके जो सवाल है बेसिकली, पहला गोल है आपका 2 साल में 20 लाख रुपए घर के लोन को आप चाहती हैं कि थोड़ा चुकाया जाए जल्दी। दूसरा गोल है 15 साल में 50 लाख बच्चे की पढ़ाई, और तीसरा है 17 साल में 50 लाख रिटायरमेंट के लिए, राइट? हमारे साथ आप हैं बनी हुई प्रियंका जी, चलिए वहां कोशिश करेंगे उनसे फिर से बात करने की। पहले क्विकली इनके पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं, फिर इनके गोल्स पे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स उतने बुरे तो नहीं दिख रहे मुझे, फोकस 25, ब्लू चिप, DSP मिड कैप, ये तीन तो ठीक है। मैंने इसका फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? इसका परफॉर्मेंस अभी ऑफ लेट थोड़ा इतना खास नहीं रहा है, पर वो जैसे हमने बोला कि जो मार्केट साइकिल रहता है जी उसके वो फेवर में नहीं है। ओके, पर ओवर अ मार्केट साइकिल रोशी जैन जो ये फंड मैनेज करते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, तो हमें वैसे कोई कंसर्न नहीं है। जैसे मैं फंड देखूं चार काफी अच्छे हैं, बस ये कमेंट है कि जैसे हमने सम्मानियत की बात की थी पोर्टफोलियो की, तो वैसे ही एक्सिस फोकस 25 और जो ब्लू चिप है उसमें तकरीबन 55% कॉमनैलिटी है, तो वो एक वो सोच सकते हैं कि शायद कोई दूसरा मैनेजर जैसे मेरा एसेट लार्ज कैप, क्योंकि ये फोकस 25 थोड़ा मल्टी कैप है पर ब्लू चिप तो लार्ज कैप फंड है, तो इनमें से एक का बंद करके मिराय में शायद वो स्विच कर सकते हैं, तो वो फिर डिवर्सिफिकेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा उनके पोर्टफोलियो में। ओके, तो ये चलिए पोर्टफोलियो का हो गया। गोल्स इनके जी, ये 5 लाख का मुझे पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेल में 5 लाख रुपए का जो इक्विटी में निवेश है वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है। 2 साल में 20 लाख, अभी सिर्फ 9,000 का निवेश है, अगर ये सारे गोल्स भी मिला दे, सिर्फ नहीं मिलाए ना, सिर्फ अगर 20 लाख देखे तो उसी के लिए करीब 72-70 हज़ार तक का निवेश चाहिए होगा, जो बहुत ही मुश्किल है। कैसे करेंगे ये पूरा? तो मेरा तो एक्चुअली थोड़ा दूसरा विचार है इस पे। जैसे हम सोचते हैं कि होम लोन लिया है और हमें जल्द से जल्द चुकाना है, वो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी रहता है कि मैं भी उस चीज को एकदम दिल से मानती हूँ, कर्ज है। पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम जो ब्याज दे रहे हैं उसपे वो इतना ज्यादा उसपे टैक्स छूट वाली जो बात आती है, तो टैक्स छूट है और जो अमाउंट है टैक्स छूट छोड़ के भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म पे उसे ज्यादा कमा पाए, और जैसे हमने देखा है, तो आपको वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है आप वो होम लोन चुका सकते हैं जो प्री पे कर सकते हैं, आपका EMI तो देना ही है, पर आप प्री पे कर सकते हैं, पर कि वो पैसा आप SIP में
इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, 5, 10, 15 साल के लिए डालें। और मेरी सोच है कि वो एक्चुअली ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने डबल डिजिट, अर्ली डबल डिजिट रिटर्न दिए, तो हो सकता है कि वो वापस, और टैक्स ब्रेक के बाद तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आप होम लोन, पर वो ह्यूमन मेंटालिटी थोड़ा उस पे हम लोग कभी एक बार और शो करेंगे, और जहाँ पे कैलकुलेशंस के साथ बताएंगे कि दोनों में कितना फर्क होता है और कौन सा बेहतर हो सकता है। बट अगर अभी के लिए पर अगर उनको करना ही है तो 2 साल में तो हम इक्विटी में कतई एकदम नहीं डालना, फिर उनको फिक्स्ड इनकम फंड्स में डालना पड़ेगा। और अगर हम 6-7% का रिटर्न सोच के चले कि 20 लाख होना है, तो फिर कुछ 17 लाख उनको पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो गोल है एकदम ही रियलिस्टिक है। प्रियंका जी, इस गोल के लिए आप जो आपने, अगर आपको इसको चुकाना ही है, तो जो आपने इक्विटी में निवेश किया हुआ है डायरेक्ट में, आप वहां से निकाल सकती हैं पैसे। लेकिन इस तरीके से SIP करके 2 साल में 20 लाख, 70,000 माफ कीजिएगा, 70,000 के आसपास का निवेश करना होगा। लेकिन जो बाकी के दो गोल्स हैं कौस्तुभ, वो लगता है पूरे हो सकते हैं आराम से, 10-15 साल में 50 लाख, 17 साल में 50 लाख। जी बिल्कुल। तो जब हम गणित करके देखें कि कैसा वो, तो अभी अगर आप 10,000 का SIP, 9,000 की चल रही है, तो हम उनको क्या बोले कि ये थोड़ा उनको बढ़ाना चाहिए, अभी 9,000 का 12-13,000 इसी साल से चालू करें, और हर साल 7-10% इसको आप बढ़ाते रहें। जी, अगर वो किया आपने, और आपको मोस्टली अभी आपको इक्विटी शेयर फंड्स में ही करना पड़ेगा, इक्विटी फंड्स में, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका, क्योंकि आपका कंजर्वेटिव इजीली हाँ हो जाएगा। मुझे लगता है 12% का रिटर्न भी देखते हैं तो आपको 10,000, आपने सही कहा है कि अगर इकट्ठे, अभी इन्होंने कहा कि आप कितना बढ़ाना है बताइए मुझे, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से करीब 17,000 या 18,000 के आसपास का निवेश करना होगा इनको, और 12% के रिटर्न के लिए के हिसाब से ये दोनों लक्ष्य इनके आसानी से पूरी हो जाएंगे। लेकिन एक बार कौस्तुभ आपने भी लिखा था जवाब में, 50 लाख का जो लक्ष्य रखा है रिटायरमेंट के लिए, वो थोड़ा कम लगता है आपको। जी बिल्कुल, तो वो एक बहुत जरूरी बात है जो हम बताना चाहते हैं कि जो इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि हम अभी सोच रहे हैं कि 50 लाख काफी सफिशिएंट होगा, पर जब हम 17-20 साल आगे का सोच रहे हैं, तो जब इन्फ्लेशन पकड़ के चले, तो 50 लाख आज के जो वैल्यू में उससे काफी कम होता है, तो आपको वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है, फिर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आजकल बढ़ रहा है दुनिया, तो फिर आपको वो शॉर्टफॉल रिस्क जो बोलते हैं कि आप ऐसा ना हो कि आपके पैसे खत्म हो जाए और आप अभी तक जिंदा है, फिर आपको पता नहीं क्या करें, तो वो आपको प्लान करना पड़ता है, वो बफर बनाना पड़ता है। तो एक बार एक और शो ये भी कर लेते हैं कि तो जरा बता दे कि भाई कैसे आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हुए अपना लक्ष्य बना सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन एक बार वो करके दिखाना, वो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, सो ये बात भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही हम कौस्तुभ के 3 फेवरेट स्मॉल कैप फंड के बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और जवाब दे रहे हैं कौस्तुभ बेलापुरकर, डायरेक्टर फंड रिसर्च मॉर्निंग स्टार। अगला सवाल लेते हैं, राज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। राज जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते, मुझे ये जानना था कि मेरा जो टारगेट एक्चुअली में अपकमिंग 5 ईयर्स का, जी, वो है मेरा अराउंड 20-25 लाख। जी, और जो मेरी अभी SIP चल रही है मंथली, वो 11,000 के अराउंड चल रही है। और एक मैं सवाल आपसे पूछूं मैं यहाँ पे, आप उससे मतलब आप पहले पूछें, उसके पहले एक सवाल, ये आपने इतने सारे निवेश किए, सारा SBI म्यूचुअल फंड में क्यों किया है? एक्चुअली मैम मेरे को इतना कोई जानकारी था नहीं, और SBI में मेरे सारे अकाउंट होल्डिंग थी, तो इसीलिए मैंने SBI में निवेश किया था। ठीक है, अब आप चाहते हैं इस निवेश से 25 लाख रुपए 5 साल में, राइट? नहीं, एक्चुअली 25 लाख मैं चाहता हूँ, बट मैं 10,000 का निवेश मंथली SIP और इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो 10,000 की मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। ओके, तो अभी आप 11,000 की SIP कर रहे हैं, कुछ आपका लमसम है, और आप 10,000 और SIP की रकम बढ़ाना चाहते हैं। ओके, तो ये बताएं पहले क्विकली, अब क्योंकि नया कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे, हमने जो किया था वो 11,000 पे और लमसम पे किया था,
11,000 प्लस 10,000 और प्लस लमसम, उससे ये 25 लाख पूरे हो जाएंगे, मुझे लगता तब हो जाने चाहिए। नहीं, अभी भी थोड़ा शॉर्टफॉल होगा, थोड़ा शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि क्या है कि 5 साल का गोल है, अभी मार्केट्स हमें पता है कितने वॉलेटाइल, उनके जो होल्डिंग्स हैं वो आई थिंक उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 27% जो है उनका वो एक बैंकिंग फंड में है। ओके, और वो सेक्टर एक्सपोजर लगता है बहुत ज्यादा है, तो उनको वो थोड़ा पहले कम करना पड़ेगा। और सिंस 5 साल का गोल है, हम लार्जली बोलते हैं कि लार्ज कैप मल्टी कैप फंड्स में डालना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क जो रहता है स्मॉल कैप में, हमने देखा है कैसे लास्ट 2 साल में कैसे स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स का वैल्यू कम हुआ है। अगर 7-10 साल का टाइम होराइजन रहता है राजेश जी का, तो मैं बोलता ठीक है, आप सही कह रहे हैं, देखिए कैलकुलेशन बता रहा है 17 लाख ही हो पाएगा अगर 12%, और वो भी उसका बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि अगर मार्केट एंड में डाउन चला गया तो आपको फिर वो डेट भी डालना पड़ेगा। ओके, क्विकली कॉस्ट ऑफ टाइम कम है, 10,000 एक्स्ट्रा किस फंड में निवेश करना चाहिए? तो हम अगर उनका गोल है तो हम बोलते हैं कि जैसे मेरा लार्ज कैप हो गया, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन, कोई लार्ज कैप फंड्स उठा लें। ओके, और थोड़ा फिक्स्ड इनकम अगर उनको ऐड करना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है, जैसे ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन, कोटक शॉर्ट टर्म, या HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड या बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये अच्छे रहेंगे उनके करने के लिए। एक और सवाल, एक ही फंड हाउस के 7 या 8 फंड, ये स्ट्रेटेजी सही है नहीं सही? नॉर्मली तो हम बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बट अगर आप देखें इनके पोर्टफोलियोज काफी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि उनका ओवरलैप बहुत ज्यादा है जो हमने बात किया है, तो वैसे नॉर्मली नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम नया ऐड करेंगे तो दूसरे फंड हाउस जैसे हमने बोला है, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क रहता है, अगर कोई ऊपर का जो CIO है वो चेंज हो गया तो वो पूरे फंड हाउस पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी स्कीम्स पे। चलिए, यहाँ पे वक्त बहुत कम है कौस्तुव, लेकिन हमें 3 स्मॉल कैप फंड आपके फेवरेट, और क्विकली एक एक लाइन कि आपका वो फेवरेट क्यों है। जी, पहले तो स्मॉल कैप जैसे हमने बोला 7 से 10 साल के कम नहीं, उससे कम में आप सोचे भी मत, बिल्कुल। और जो 3 फंड है वो HDFC स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड और DSP स्मॉल कैप। ओके, तो तीनों में एक जो खूबियत है कि जो उनका जो मैनेजर है वो एकदम मिड और स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, जैसे विनीत हो या चिराग सेतलवाट हो या आर जानकी रामन जो फ्रैंकलिन, तो उनका वो ऑलमोस्ट वो जो नीश हो गया है, उनका कोर कॉम्पिटेंसी जैसे बोलते हैं, उनका वो स्पेशलिटी है। ओके, और उनके जो टीम्स हैं वो जो रिसर्च करते हैं नई नई कंपनियां ढूंढ में, वो काफी अच्छा है। तो इसलिए हमने देखा कि ये जो 3 फंड है उन्होंने मार्केट साइकिल पे काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो ये 3 हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल राइटी, तो यहाँ पर 3 नाम कौस्तुव की पसंद, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज और HDFC स्मॉल कैप। इन तीनों की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे, कब लॉन्च हुआ है, कितना AUM है। नॉर्मली स्मॉल कैप में एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पे, कितना बड़ा AUM आपको लगता है कि ठीक है, या इतना ज्यादा हो गया तो अब इससे थोड़ा सा बचना चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अभी थोड़ा वो टेरिटरी में जा रहे हैं हम, कि जैसे HDFC का स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट 9,000 से ज्यादा हो गया है, तो वो थोड़ा सा हम वेरी हैं कि कितना और बढ़ सकता है, बट वो कंपनियां भी काफी ज्यादा हैं। जैसे मैंने बोला कि जो प्राइमरी रिसर्च करते हैं नई नई कंपनियां ढूंढने में, वो बहुत जरूरी है। Okay. और इन सब की जो 3 जो बोले उनकी टीम्स बहुत ही अच्छी एफिशिएंट टीम है, जो जाके ये नए आइडियाज ढूंढ सकते हैं, बट साइज थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, वो मैनेजर भी देख रहा है कि वो कैसे मैनेज कर पाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुव आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, धन्यवाद, और इतने आसान शब्दों में हमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ा हुआ। और फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप 2 काम करें, एक तो फीडबैक दीजिए हमारे शो पे, कैसा लगा आपको शो आज का, इसके अलावा आप हमें सवाल भेजिए, और अपनी महिला दर्शकों से मेरे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सवाल भेजें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। सवाल कहाँ भेजना है, आपकी स्क्रीन पे डिटेल से सवाल जब भी भेजते हैं अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए ताकि आपको हम कॉल कर सके। और म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही, आप सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं, आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।